औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तमाम देखने वालों को मेरा सलाम। भाई, ज़रा आप तवज्जो से इस वीडियो को देखें और समझें। ये एक हमारा स्कूल ओपन है। अब हमने इस पे काम करना है कि हमने ग्रुपिंग भी करनी है और हमने इसके जो है ना बुक्स डिमांड पे। तो पहले आप सबसे पहले ये जो सामने आपको पीले रंग की पट्टी नज़र आ रही है, ये ब्लिंकिंग हो रहा है, न्यू लिखा हुआ, इसके ऊपर आप ज़रा क्लिक करें। यहाँ पे आपकी बुक्स डिमांड वाला जो फॉर्म है, जो नए स्टूडेंट हैं आपके, वो ओपन हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर जो आपके न्यू सिस लिस्ट में बच्चे शामिल होने हैं, ये पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन आपकी न्यू लिस्ट आपसे मांग रहा है। थोड़ा सा वेट करें, ये अभी ओपन हो रही है। जी, ये ओपन हो गई है। अब आपने तमाम बच्चों को, ये जो आपके ये 66 बच्चे न्यू लिस्ट के हैं, इसमें वो बच्चे भी शामिल हैं जो आपके नए बच्चे हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर 5638 यानी कि, और कुछ पुराने बच्चे जो आपके रहते थे वो भी इसमें शामिल हैं। अब आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पे, क्या बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है तो आपने येस करना है, और इसका जो मीडियम है वो आपने चेक करना है कि मीडियम आपका कौन सा है। आपका इंग्लिश मीडियम है या उर्दू मीडियम है। तो हमारे इस स्कूल का जो पहले डिमांड गई थी वो थी उर्दू मीडियम की, तो हमने भी इसको जो है उर्दू मीडियम में यस करना है। यस करने के बाद इसको सेव कर देना है। ये बच्चा सेव हो गया, फिर यस करना है, फिर उर्दू मीडियम यस करना है, फिर सेव करना है। एक्शन के अंदर नीचे मैसेज भी, अगर डेटा सबमिट सक्सेसफुली, नेक्स्ट आपका यस करें और उर्दू पे क्लिक करें और सेव कर दें एक्शन में। यानी कि ये पहले के आपके बच्चे थे ना, 63 हो गए आप आपके, ये एक एक बच्चा आपका यस करते जाएंगे और ये उर्दू मीडियम और ये सेव होता जाएगा। इसी के साथ ग्रुपिंग के चेक करें, ये स्टूडेंट में जाएंगे, लास्ट में ग्रुपिंग पड़ी हुई है, ग्रुपिंग पे चेक करेंगे। ग्रुपिंग के करने के बाद आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है क्लास 8 और इसको सर्च करना है। यहाँ पे आपका ग्रुप हो जाएगा ओपन, यानी कि आपकी ग्रुप ये क्लास 8 में, वो कहता है कि सर्च रिजल्ट, आपके 5 स्टूडेंट हैं और सिलेक्ट 3 स्टूडेंट्स इन ग्रुप ए एंड 2 स्टूडेंट्स इन ग्रुप बी। तो आपने क्या करना है, ग्रुप यहाँ पे क्लास ग्रुप के ऊपर आना है और आपने ए के ऊपर क्लिक करना है, यस करना है और इसको अपडेट कर देना है। नीचे मैसेज सक्सेसफुली का आ जाएगा। फिर इसको दूसरे नंबर पे आना है, नेम पढ़ना है बच्चे का कि इसको ग्रुप ए में शामिल करना है या बी में। तो आपका ये बच्चा भी ग्रुप ए में शामिल हो गया। फिर ग्रुप तीसरे पे आना है जी, और इसको भी ग्रुप आपने ए में शामिल कर देना है। फिर आपने 2 को आपने ग्रुप बी में शामिल करना है, इसको अपडेट कर देना है और दोनों को अपडेट कर देना है। इस तरह ये आपका डेटा सक्सेसफुली यानी कि मुकम्मल तौर पे अभी ग्रुपिंग हो जाएगी। फिर नेक्स्ट क्लास करनी है आपने। नेक्स्ट क्लास, अगर ये देखें नीचे मैसेज भी आ रहा है कि स्टूडेंट ग्रुप इन A3, स्टूडेंट इन ग्रुप B2, यानी कि ये आपके मुकम्मल हो गए हैं। अब ग्रुप क्लास 7 पे आपने आना है और इसको सर्च करना है, बटन दबाना है सर्च का। आपकी क्लास 7 ओपन हो जाएगी। इसमें आपके कुल 18 बच्चे हैं, 18, और 9 स्टूडेंट्स ग्रुप ए में हैं और 9 स्टूडेंट ग्रुप बी में आपने जमा कराने हैं अपने। तो आपका आपकी मर्ज़ी है, जिसको मर्ज़ी है आप ग्रुप ए में रखें और ग्रुप बी में रखें। ये आप चीज़ें देख के आप तसल्ली के साथ अपने काम को कंप्लीट करें। ये आपको सिखाने के लिए है, वरना मैं खुद भी कर सकता हूँ, लेकिन आपने अपनी ग्रुपबंदी करनी है। सबसे ऊपर एक मेन आपको हो रहा है, नोटिस आपको मिल रहा है, ये रोज़ाना की बुनियाद पे हमने आपकी अटेंडेंस लगानी है। ये एक वेबसाइट दी गई है, आपको पासवर्ड और सब चीज़ें दी गई हैं, और इसके बारे में मज़ीद आपको बताएंगे कि ये आपने काम कैसे करना है। सबसे पहले आपने बुक्स डिमांड और ग्रुपिंग करनी है और इसको आप कंप्लीट करें।
शुक्रिया।